एक्स्ट्रा टाइम। एमएस धोनी ने अपने इन्फ्लुएंस की वजह से पॉल राइफल जो कि अंपायर थे उनका एक डिसीजन चेंज करवा दिया, जिससे डेविड वार्नर खासा खफा दिखे। बात आईपीएल 2020 के मंगलवार शाम के मैच की है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट खेल रही थी। ये जो घटना है ये हुई तीसरी गेंद पर 19वें ओवर की, जो कि शार्दुल ठाकुर बॉलिंग कर रहे थे। सनराइजर्स हैदराबाद को उस वक्त 27 रन चाहिए थे 12 गेंदों में और रशीद खान क्रीज पे थे। पहले गेंद पे 2 रन लिया अफगानिस्तान के लेग स्पिनर ने। अगली बॉल वाइड थी जो कि अंपायर पॉल राइफल ने कॉल किया। तीसरी डिलीवरी जो थी वो भी बिल्कुल उसके पहले वाले के लाइन पे ही लगी, एकदम ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की गई और जो वाइड का मार्कर होता है उसको बस छू के निकली। रशीद जो कि मूव कर रहे थे बैटिंग क्रीज पर, उन्होंने कोशिश की बॉल तक पहुंचने की बट वो बॉल को छू तक नहीं पाए। बॉल महेंद्र सिंह धोनी तक चली गई जो कि विकेट कीपर थे, और पॉल राइफल ऑलमोस्ट घूम ही चुके थे और अपनी बाहें उन्होंने शाहरुख खान की तरह खोल ही दिया था वाइड सिग्नल करने के लिए, बट फिर उन्होंने अपने एक्शन को चेक किया क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो कि सीएसके के कप्तान भी हैं, वो पॉल राइफल से एक्शन में कहने लगे कि बैट्समैन तो मूव कर रहा है तो ये वाइड नहीं होनी चाहिए। शार्दुल ठाकुर ने भी प्रोटेस्ट किया और पॉल राइफल ने अपने आधे खुले बाहों को वापस पीछे ले लिया और उसे फेयर डिलीवरी करार दिया। सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन डेविड वार्नर जो कि डगआउट में बैठे हुए थे वो खासा खफा दिखे इस कॉल के बाद से, और अपने बाकी ऑफिशियल्स और टीममेट्स को कहने लगे कि ये क्लियर वाइड है और इन्फ्लुएंस में आकर अंपायर पॉल राइफल ने इसे वाइड नहीं दिया। खैर, सनराइजर्स हैदराबाद ये मैच 20 रन से हार गई और चेन्नई सुपर किंग्स को मिली उनके सीजन की मात्र तीसरी जीत। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अंपायर के किसी डिसीजन पर धोनी ने अपना डिसप्लेजर दिखाया है। इसके पहले आपको याद होगा राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट पिछले साल एक मैच में महेंद्र सिंह धोनी अंपायर उल्हास गांधे के एक डिसीजन के ऊपर बहुत खफा दिखे और वो सीधा डगआउट से पिच तक जा पहुंचे और अंपायर्स के साथ एक हीटेड आर्गुमेंट में इन्वॉल्व थे। उस मैच में एक वेस्ट हाई फुल टॉस को नो बॉल करार दिया था, बेन स्टोक्स उस वक्त बैटिंग कर रहे थे, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने नो बॉल का सिग्नल नहीं किया, इसलिए मेन अंपायर गांधे ने भी इस डिसीजन को फिर ओवरटर्न कर दिया। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.